तो फिर भी हम लोग एक महीने का गारंटी देते हैं, अगर कुछ भी हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग करके देते हैं। पड़ेगा आपको एक लाख, हम डिस्काउंट के साथ आपको एक पाँच तक दे देंगे, पाँच तक दे देंगे। सर ये आपको पड़ेगा 2021 का है, ये आप लोग को 1,50,000 में पड़ेगा। 1,00,000 प्रॉब्लम भी आता है 21, उसको बेफिक्र शोरूम पे आ जाने का। ये 2021 का है, 1,15,000, 1,15,000। इसके बाजू में जो 2019 का खड़ा है ये आपको 98 में हो जाएगा। तो दूसरा, अगर आपके घर पे कुछ भी गाड़ी बंद हो गया, अगर आप नहीं आ सकते तो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं उनके घर पे, सब क्लियर करके आते हैं हम लोग। अभी हमने कल परसों दिया था, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो चैन सेट कुछ दिक्कत आ रही थी, तो कस्टमर को हमने नया डाल दिया। ये देख लो, एकदम नया, एकदम कंडीशन और बिल्कुल ही नया, एकदम पूरा नया डाल के दिया है कस्टमर को। ये हमने पूरा नया डाल के दिया कस्टमर को, हमने दिया था, दूसरे दिन ये एक्सीडेंट हो चुका था। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डिजिटल्स में, और आशा करते हैं उस लोग बढ़िया होंगे। आज मैं फिर लेकर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख लिया है, तो मैं लगातार आपको एक ऐसा कंटेंट देते जा रहा हूँ जो कि दिवाली, हैप्पी दिवाली, आपका पूरा ही एकदम अच्छे से दिवाली मने। और आप मतलब जो भी मतलब जिसका बजट कम है और जो लोग अपने लिए बाइक खरीदना चाहते हैं जो बजट फ्रेंडली, उन लोग के लिए भी, तो यहाँ पर आपको सारी बाइक्स देखने को मिल रही है। और मैं लगातार ऐसे ऐसे मतलब वीडियोज़ ला रहा हूँ जो कि आप लोग को पसंद भी आ रही है और बहुत से लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको देख करके नहीं छोड़ना है, आप लोग को शेयर भी करना है, जिसको आपको दोस्तों को लेना है तो उनसे पता भी चल सके, और लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। आपको अगर बजट अच्छा लगा, इनका प्राइस अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करना है, और वीडियो को पूरा देखना। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं और फिर बाद में कमेंट करते हो कि नहीं भाई लोन हो सकता है, भाई इतना प्राइस है, उतना प्राइस, भाई इसका प्राइस कितना है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखो, आपको पूरा जानकारी देखने को मिलने वाला है। तो आज मैं आ चुका हूँ ऐसी वीडियो लेकर के धर्मपुर में। तो धर्मपुर में है सिख ऑटो, जो कि धर्मपुर में एड्रेस आपको कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही मिल जाएगा। अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं गुजरात में तो एक अच्छे ऑफर्स के लिए यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे यहाँ पे प्राइस चलते रहते हैं, हमेशा ही ऑफर यहाँ पे चलते रहते हैं। अब यहाँ पे बुलाना चाहूँगा मैं जावेद भाई को, और उसके पहले आप कलेक्शन देख लो, फ्रेश न्यू कलेक्शंस वहाँ पे लगे, पल्सर सीरीज से लेकर के KTM ड्यूक, और जो भी आपको गाड़ी चाहिए आपको सारा मिल जाएगा। आपको मतलब यहाँ पे आना है और विजिट करना है, और आपका अपना बताना है बजट, और उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कुछ प्राइस है और कितना आपको देखने को मिलेगा डाउन पेमेंट, वो सब इसमें बात करने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा जावेद भाई को, तो आज मैं जावेद भाई का स्वागत करता हूँ। जावेद भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम, ठीक है। स्वागत है आपका डिजिटल वर्स में, और कैसा लग रहा है आपको? एकदम फ्रेश न्यू कलेक्शन रखे हो आप? हाँ, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं? हाँ, हमेशा चेंज होता रहता है। और कितना शुरू अपना प्राइस रहता है? हमारा 30,000 से लेके 2,00,000 तक का गाड़ी मिलेगा। अच्छा, और डाउन पेमेंट कितना भरना रहेगा गाड़ी पे? अगर डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, अगर लोन ले रहा है तो 30-35, अगर हैवी गाड़ी पे जो मिलेगा 200 cc गाड़ी पे तो आपको 50-60,000, अगर बैंक में जो करना हो तो 50 में हो जाएगा, अगर प्राइवेट लोन करना हो तो उसमें 70-80,000। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए? इसके अंदर आपको चाहिए आधार कार्ड चाहिए, इलेक्शन कार्ड चाहिए, फोटो वगैरह चाहिए, रेशन कार्ड वगैरह चाहिए,
अगर बैंक का हो तो बैंक का भी पासबुक हो। अगर कोई कैश पे लेता है पूरा गाड़ी भर के तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उसके लिए सर बस खाली मेरे को आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड चाहिए और दो फोटो चाहिए बस। बस और बाकी कैश चाहिए? कैश चाहिए बस। तो आज अपने पास कितना कलेक्शन, टोटल अपने पास कितना बाइक है अपने कलेक्शन में? अभी मेरे पास तकरीबन 150 के ऊपर गाड़ी होगा। 150 के ऊपर गाड़ी। तो जिसका बजट कम रहेगा और जो मतलब बजट फ्रेंडली होंगे उनके लिए गाड़ी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। और जो लोग चैनल का नाम लेकर के और गाड़ी लेने आएंगे तो उनके लिए भी डिस्काउंट हो जाएगा? पूरा डिस्काउंट दिया जाएगा? यस। तो आपका सर्विस क्या है? सर्विस हमारा तो ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, जैसे कि मैं एक जगह पे गया था तो उन्होंने मतलब 6 महीने का बोला है कि इंजन के ऊपर में कोई भी आएगा प्रॉब्लम तो 6 महीने के अंदर। इसमें कैसा है सर कि मेरा हम लोग सेकंड गाड़ी के अंदर कोई सेकंड में तो कोई गारंटी वारंटी नहीं आता, तो फिर भी हम लोग 1 महीने का गारंटी देते हैं। अगर कुछ भी हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग करके देते हैं। ओके। तो अगर आप यहाँ से एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो नहीं होगा? इंश्योरेंस तो उसमें इंश्योरेंस तो करके देंगे हम लोग। हाँ, 1 साल का हम करके ही देते हैं। ओके। तो बाकी अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको मतलब थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है और मतलब आके यहाँ से एकदम ले सकते हैं क्लियरली, और जो बात है वो आपको एकदम ऑन टेबल करके बैठ करके यहाँ पे जो गाड़ी का रेट बताया जाएगा उससे थोड़ा सा कम प्राइस में ही दिया जाएगा, क्योंकि ऑन टेबल में आपको अगर लेना रहेगा तो यहाँ पे कम प्राइस की जाएगी। क्यों जात भाई? हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे आज शुरुआत करें सबसे पहले स्कूटी से कलेक्शन, स्कूटी का कलेक्शन देख लो आप, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन रखा गया है। और यहाँ पे बजट फ्रेंडली जो है उनके हिसाब से कितना प्राइस स्टार्टिंग है स्कूटी पे? स्कूटी पे अपना स्टार्टिंग ऐसा साल के प्रमाण होता है। हाँ। अभी ये 2016 का एक्सेस है। हाँ। ये जूना मॉडल है। हाँ। ये 40,000 कीमत रखा हुआ है। 40,000। हाँ। इसके अंदर सब नाम ट्रांसफर के साथ कम्प्लीट हो जाता है, प्लस इसमें हेलमेट भी मिलेगा आपको। तो अभी दिवाली का भी सीजन आ रहा है और जो लोग मतलब गाड़ी लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ ऑफर चल रहा है अभी? अभी तो कुछ ऑफर नहीं है, पर तो हम लोग तो क्या है कीमत के हिसाब से हम लोग कम कर देते हैं। ओके। तो अभी देख लो ये 40,000 में एक्सेस 125 और काफ़ी अच्छा मतलब इसमें एकदम कंडीशन मिंट कंडीशन में है, एकदम टायर वगैरह कंडीशन सब कुछ देख ही सकते हो। बाकी एक और अपने साथ वहाँ से स्टार्ट करते हैं जावेद भाई। हाँ। मास्टरो कितना है उसका प्राइस? ये आपको 2018 का है। हाँ, ये आपको पड़ेगा 50,000 रुपये। 2018 का? 2018 का 50,000। और जितना भी ये गाड़ी जितना भी कलेक्शन है सब फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर भी है इसमें? नहीं, फर्स्ट ओनर आएगा हमारे पास। भी है? हाँ, फर्स्ट ओनर। ओके। उसी के साथ में एक होंडा ग्रेजिया खड़ी है, वहाँ पे इसकी प्राइस? इसके पास लिखा हुआ है सब, हम लोग गाड़ी पे प्राइस लिखा हुआ है सब, देख लो सर। 2018 फोकस कर दीजिए। और 2018 का मॉडल है ये, 53,000 इसका एकदम क्लियर लिखा गया है। और यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट भी हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप ऑन टेबल बैठते हैं तो। उसी के साथ में एक और डियो खड़ी है, उसका प्राइस? उस पर सब पे लिखा हुआ है सर, 2019 का है वो, इसके बाजू में 2017 का है। हाँ। ये 2019 का 68,000 है, 2017 का 53,000 है। तो आपके हिसाब से BS6 गाड़ी अच्छी है कि BS4? BX4 अच्छा है। BX6 भी है अपने पास गाड़ी। हाँ। अभी क्या BX6 लेने के लिए कस्टमर को दिक्कत हो रही है कि वो क्या क्या अंदर वो फ्यूल इंजेक्शन चल, हाँ, फ्यूल इंजेक्शन जल जाता है उसके लिए, वो क्या लोग क्या कार्बेटर वाली ढूंढते हैं गाड़ी। अच्छा। अपने पास सब एक कंडीशन में गाड़ी आता है। और ये एक अपने पास प्लेजर पड़ी, इसका प्राइस कितना है? ये सर आपको पड़ेगा 2013 का है, ये आपको 30,000 में पड़ेगा नाम ट्रांसफर के साथ। तो सबसे कम प्राइस में यही 30,000 में देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पे स्कूटी में। और उसी के साथ में एक और एक्टिवा खड़ी है, उसकी कितने का है? ये सर आपको पड़ेगा 38,000 में पड़ेगा, ये 2012 का मॉडल है। 2012 का और एकदम देख लो मिंट कंडीशन में, एकदम कंडीशन ज़्यादा है इसकी। ओके। और उसी के साथ में बढ़ते हैं अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो अपने पास है पल्सर RS 200 जो कि मोस्ट डिमांडिंग बाइक और लोगों की पसंद, पहली पसंद इसे सुपर बाइक बोला जाता है। तो इसका प्राइस कितना रहने वाला आप यहाँ? सर ये आपको पड़ेगा 2019 का है, 1,10,000 में पड़ेगा आपको। 1,00,000 हम डिस्काउंट के साथ आपको 1,05 तक दे देंगे। 1,05 तक दे देंगे। तो यहाँ पे देख लो कंडीशन भी एक नंबर हो रखा है और टायर का कंडीशन भी आपको दिखा दूँ मैं, एकदम चमकता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ में एक और अपने पास KTM RC। सर ये आपको पड़ेगा 2021 का है, ये आप लोग 1,50,000 में पड़ेगा। 1,50,000 में कितना किलोमीटर रनिंग है ये? समथिंग 21,000 किलोमीटर फिर आया गाड़ी। ओके। और टायर का कंडीशन भी आप देख लो काफ़ी अच्छा मतलब। और यहाँ पे आप सेकेंड हैंड तो लेते ही हो, अगर आपको नई गाड़ी कोई भी चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है ना? हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी। ओके। उसका डाउन पेमेंट कितना रहता है देख लो आप? नई गाड़ी का आपको जो एक्टिवा जो लेना हो, एक BX6, तो आपको 30-35 तक भरना पड़ेगा, और एक्सेस में भी यही आता है डाउन पेमेंट आएगा। ओके। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं फ्रंट से, तो अपनी स्पोर्ट्स कैटेगरी की। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे पहले नाम आ जाता है MT-15 का, जो कि यहाँ पे खड़ी है पहले। तो इसका प्राइस कितना है? 2019 का 1,35,000 में हो जाएगा आपको। 1,35,000। ये ब्लू कलर में एकदम मस्त कंडीशन में, और BS4 है ये?
हाँ अभी एक्सपोर है ये, क्योंकि उस टाइम पे तो आया नहीं था ना लास्ट। नहीं नहीं, ये 19 की एंड में आया था वो। और इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, और इसी के साथ में आ जाते हैं ड्यूक 125। ओके, ये आपको 2019 140 में पड़ेगा सर। 140 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2019 का मॉडल है, और ये देख लो ड्यूक 125 का प्राइस। ये आपको 135 में पड़ेगा, ये 125 सीसी आएगा, ये भी 2019 का है गाड़ी। ओके, 2019 का है भी। और उसी के साथ में एक और अपने पास R15 खड़ी है, इसकी प्राइस? ये आपको पड़ेगा 2019 145, ये ABS वाला है। ओके, इसे सीधा कर रहे हैं। और उसी के साथ में एक और गाड़ी अपने साथ खड़ी है, R15, ये भी 2019 का ही है। ये थोड़ा अंदर का, ये 8वें महीने का है, ये आपको 140 में पड़ेगा सर। 140 में। और उसी के साथ में पीछे में खड़ी है R15 वर्जन 2 है वो सर। उसका प्राइस? वो आपको पड़ेगा 2018 का 90,000। ओके, और उसी के साथ में एक और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बड़ा है वो 2018, वो भी 90,000। ये सब फर्स्ट ओनर है? सब फर्स्ट ओनर है। और यहाँ पे क्या बैंक से खिंचवी भी गाड़ी आती है? आती है, पर वो क्या है कि जब तक पेपर क्लियर होगा फिर ही आएगी अपने पास, कोई अपने बेच सकते। जब तक वो RC बुक पूरा वगैरह कंप्लीट आएगा, पेपर वगैरह आएगा, कोई आपको बेच सकते गाड़ी यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक से। तो यहाँ पे जिसका मतलब जो जिसका लो बजट रहता है और जो कॉलेज स्टूडेंट है उनका प्राइस कम रहता है, तो उनके लिए भी कितने से स्टार्टिंग यहाँ पे? वो आपको सर 30,000 से स्टार्ट होगा। अगर AC बाइक चाहिए आपको, साइन है वगैरह, स्प्लेंडर है, इनिकॉन है, जैसा साल का होगा उस हिसाब से आप हम लोग प्राइस लगाते हैं। ओके, और एक वहाँ पे अपने पास हॉर्नेट खड़ी, उसका प्राइस कितना है? वो सर 90,000 में पड़ेगा, 2019 का है वो। उसमें काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन भी हो रखा है, कितना बोले उसका प्राइस? ये 90,000। हम लोग जो लाते हैं ना, हाँ सर, तो हम लोग ये टायर वगैरह है, चेन सेट है, हम लोग ये पूरा क्लियर करके देते हैं गाड़ी। हम लोग कस्टमर को ऐसा टूटा फूटा नहीं देते हैं हम सब की। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है इनकी, तो उसको बेफिक्र शोरूम पे आ जाने का। अच्छा, बाहर नहीं खुलवा सकते आप, यहाँ से गाड़ी ले आते हैं, यहाँ पे आके खुलवाओ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग करके सोल्व करके देते हैं। ओके, वो भी फ्री चार्जेस रहते हैं? हाँ, फ्री चार्जेस रहता है महीने के अंदर, अगर महीने 2-3 महीने के बाद उसका चार्जेबल लगेगा सर। ओके, 1 महीने के अंदर आपको पूरा जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका पूरा सोल्व करके दिया जाएगा ना? यस। और आप शुरुआत करते हैं यहाँ फ्रंट से, पहले फ्रंट में आ जा। अब यहाँ पे फ्रंट से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अपने पास होंडा साइन खड़ी है, तो होंडा साइन का कितना प्राइस है? ये सर आपको पड़ेगा 75,000, 75,000 में। ये BS4 खड़ी है? ये BX4 है। और उसी के साथ में एक और खड़ी है अपने पास होंडा साइन, ये BX6 2020 का है, ये आपको 78 में पड़ेगा। 78 में, काफ़ी अच्छा, और ये काफ़ी अच्छा माइलेज देने वाली बाइक है, और ये इंडिया की नंबर 125 cc में साबित हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करें नंबर 1 बाइक, ये 2021 का गाड़ी है, 2021 का, 75 में पड़ेगा। ओके, और ये 2019 का है, ये आपको 17 में पड़ेगा, ये BS4 है, BX4, ये भी 17 में पड़ेगा। और यहाँ पे भी बताते जाते हैं इसका कितना प्राइस है। ये 2021 का गाड़ी है, अभी नया आया सुपर एक्सप्लेंडर, BX6 गाड़ी है, ये आपको 78 में पड़ेगा। इसकी नई की प्राइस है 96,000। और इसी के साथ में एक और हीरो स्प्लेंडर प्लस ब्लैक कलर, ये आपको पड़ेगा 2021 का, ये भी पड़ेगा आपको 75 में पड़ेगा, 75,000। और मेरे पास जितना भी जो सेंसर वाला बाइक है ना, 2021-20 वाला ही है, आपको 75 में पड़ेगा सर। मेरे 6 गाड़ी, अगर ये प्राइस लिखा भी है ये प्राइस पे हम लोग कम भी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये 78,000 यहाँ पे लिखा है, थोड़ा आपको मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे 2021 का है, तो आपको एकदम कम करके ऑन टेबल अगर आपको लेना होगा तो यहाँ पे कम प्राइस हो जाएगी। और अब यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं, सिलसिला आगे बढ़ चुका है, अभी बहुत से लोगों की पसंद रहती है जिसका कम्यूटर सेगमेंट की बाइक रहती है, तो 160 cc में कितना प्राइस इसका? सर ये 150 cc है, ये 2016 का गाड़ी है, ये आपको 65 में पड़ेगा, 65 में। और एक और यूनिकॉर्न, ये 2018 का है, ये आपको पड़ेगा 85 में पड़ेगा, 85। अब बहुत से लोगों की पसंद रहती है NX 200, NX 200, ये 2018 का 12वां महीना है, ये आपको पड़ेगा 98 में पड़ेगा, 98 में। और यहाँ पे एक और FZ खड़ी है, FZ का प्राइस? ये 2021 का है, 1,15,000, 1,15,000। इसके बाजू में जो 2019 का खड़ा है ये आपको 98 में हो जाएगा, 98 में। तो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये BS6 है क्या? ये BX6 है, ये BX4 है। ओके, ये काफ़ी अच्छा 2021 का गाड़ी है, और ये 2019 का गाड़ी है, तो साल साल का डिफरेंस रहता है। बाकी एक और अपने साथ कम्यूटर सेगमेंट की बाइक खड़ी है, ये लिवो है, होंडा लिवो आएगा, ये सस्ती बाइक है, ये आपको पड़ेगा 55 में पड़ेगा, 2018 का बाइक है ये, 2018 का। और एक और अपने पास इस पल्सर खड़ी है, ये 220, ये आपको 2018 का 85 में पड़ेगा, 85। एक और बाजू में 2019 का एंडिंग है ये, ये आपको पड़ेगा 98 में पड़ेगा, 98 में। ये 180 पल्सर, ये आपको पड़ेगा
2017 का अस्सी एम एम पड़ेगा। डिस्कंटिन्यू हो चुकी ना, डिस्कंटिन्यू हो चुकी ना। हाँ हाँ डिस्कंटिन्यू। और ये एक और 150, ये आपको सब 90,000 है सर, ये सब 2019 का गाड़ी है। अगर ये CBJ, ये मेरे पास सस्ते वाला बाइक है, ये 2010 का पड़ेगा आपको 30,000 में पड़ेगा। 30,000 में 2010 का मॉडल। अब देख लो यहाँ पे एक कलेक्शन लगा हुआ है पल्सर का, आप ऊपर ऊपर से खाली दाम बता दो। ये सर 2020 का है, ये BX6 गाड़ी है, ये आपको 1,15,000 में पड़ेगा। और ये BX4 है, 90,000 में पड़ेगा। 90,000 में ट्विन डिस्क है ना दोनों। और ये डबल डिस्क ब्रेक है, ये 2019 का 90,000 में पड़ेगा। ओके सर, ये 2012 का, ये 50 में पड़ेगा आपको। ओके एक और, ये 2015 का 17 में पड़ेगा। ये पैशन है 2014 का 48 में पड़ेगा आपको। ओके ये 2014 का R15 है, अरे सॉरी FZ है, 58 में पड़ेगा आपको 58। ये 2018 का 85 में पड़ेगा। ये V2 है ना। हाँ V2 है, वर्जन 2 है। और एक और यहाँ पे एकदम, ये यूनिकॉर्न VX6 फ्रेश न्यू कंडीशन है क्या। हाँ ये 2021 का 1,13,000 में। इसका नया का प्राइस कितना आ रहा है। नया का प्राइस सर अभी 140 चल रहा है, 140 पार हो रहा है। तो आपको काफ़ी अच्छा माल देखने को मिल जाने वाला। तो ये था अभी कलेक्शन, अभी और भी, ये सिर्फ डिस्प्ले में बाइक है, और अभी और अगर आप चाहते गाड़ी पर लेना तो और भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। सेक ऑटो पे आना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट और एड्रेस दोनों ही दे दिया है। और यहाँ पे एड्रेस में और थोड़ा सा जान लेते हैं, इजाज़ भाई इसका थोड़ा अगल बगल का एरिया बता दीजिए। ये सेक ऑटो धर्मपुर मालनपाड़ा ITI चौकड़ी, वहाँ पे आपका ये हमारा शोरूम है ये। ओके अगर आप यहाँ पे मतलब तीन रास्ते पे भी आ जाते हैं और कॉल करते, बाईपास रोड पड़ता है सर हमारा, अगर कोई तीन रास्ते पे आगे कॉल करता है तो उसको सर्विस दी जाएगी। हाँ दी जाएगी, दी जाएगी। ओके तो अगर आपको लेना है और आपका बजट लो है तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो बजट में भी मिलेगा, जैसा 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 साल का वो सबसे कीमत में गाड़ी मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पे कोई गाड़ी कस्टमर की डिमांड है और यहाँ पे वो गाड़ी नहीं है तो ये मिल जाएगी मंगा के। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये आपको सर्विस देखने को मिल जाने वाली यहाँ पे। तो दूसरा, अगर आपके घर पे कुछ भी गाड़ी बंद हो गया, अगर आप नहीं आ सकते तो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं उनके घर पे, सब क्लियर करके आते हैं हम लोग। तो ये एक अच्छा यहाँ पे सर्विस देखने को मिल गया आपने को, जो कि बहुत से लोगों को, ये कस्टमर को अट्रैक्ट भी करेगा ये बात। तो इसका क्या मतलब प्रोसेस रहने वाला है इसमें क्या, कि सर अभी समझो कि गाड़ी घर पे बंद हो गया, वो लोग नहीं आ सकते तो लोग हम लोग को यहाँ कॉल बैक कर दे सर मेरे घर पे गाड़ी खराब हो गया, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं मैकेनिक को लेके जाते हैं, हम लोग सर्विस देते हैं वहाँ पे। लेकिन एक महीने का होना चाहिए गाड़ी, एक महीने के अंदर का ही। हाँ एक महीने के अंदर होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर वो 3-4 महीना भी हो जाए, अगर उसके गाड़ी पे गाड़ी खराब हो चुकी है तो हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे। ओके और यहाँ सर्विस तो हम पूरी पूरी देंगे। गाड़ी को अगर एक्सचेंज करना चाहेगा तो एक्सचेंज हो सकता है। हो सकता है सर, अगर कोई यहाँ पे मतलब नेम ट्रांसफर कराने के लिए दूसरा कोई गाड़ी लेके आता है तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके मन में और कोई भी डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि जब सेकेंड हैंड गाड़ी मार्केट में जाते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई वो अपने साथ फ्रॉड कर रहा है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देने वाला हूँ कि यहाँ पे वैसा काम बिल्कुल भी नहीं होता, और मैं यहाँ पे पर्सनली मैं देखा, विजिट किया मैंने, तो ऐसा मुझे पर्सनली अच्छा लगा, विश्वास यहाँ पे आपको पूरा ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ी देख रहे हैं सब, इसमें आपको कोई भी मीटर बैग नहीं देखने को मिलने वाला। क्यों जात भाई, मीटर पूरा गाड़ी, मीटर बैग यहाँ पे कोई नहीं किया जाता। और यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो आपको पूरा ही आपका ध्यान रखा जाता है। अब मैं जैसे कि दिखा देता हूँ आपको, तो ये यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी रहती है सब डिस्प्ले में, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डिस्प्ले में आने से पहले जितनी भी आप नज़र मारोगे वो देखो, पल्सर RS 200 खड़ी है, यहाँ पे पल्सर 220 खड़ी है, वहाँ पे KTM की खड़ी है, लेकिन वहाँ पे अभी डिस्प्ले में नहीं ली हुई, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब इसमें पार्ट्स रहते हैं जो ख़राब रहते हैं या फिर जो पुराना रहता है तो उसको रिपेयर करके दिया जाता है। और यहाँ पे मीटर बैग आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता, मैंने पर्सनली इसे देखा, देख लो ये जावा की HD है, यहाँ पे ये भी रिपेयर होने के लिए आई है। अब जो लोग मतलब बहुत हैवी अभी CC की बाइक रखते हैं और जिनका सर्विस यहाँ पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल सर्विस दी जाती है यहाँ पे। और जावेद भाई इसका क्या कहना है आपके इसके बारे में। सर इसके बारे में मेरा ऐसा कहना है सर, हम लोग जो गाड़ी खरीदते हैं सेकंड में, तो सर हम लोग इस तरीके का हम लोग देखा, उस तरीके का हम लोग यहाँ पे गाड़ी सर्विसिंग होती है, अगर कुछ टूटा फूटा होता तो हम लोग चेंज भी कर डालते हैं। ओके पूरा नया डाल देते हैं, तो कस्टमर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही सर्विस करके ना आगे रख दिया हूँ। अब बहुत से लोगों के यही डाउट रहते हैं कि मतलब मीटर बैग किया हुआ है, इतना कम चला हुआ है, बहुत पुराना गाड़ी है, इतना कम कैसे चल सकता है, तो उसमें मीटर बैग कोई नहीं। नहीं नहीं सर, हम लोग नया डाल देते हैं। ओके तो बाकी आप देख लो, कंडीशन भी देख लो गाड़ी के, और बहुत से मतलब ये देखो अभी नई नई है, यहाँ पे एकदम चमचमाती हुई यहाँ से लगी हुई है, अब इसका लगता है रिपेयरिंग हो चुका है, ये एकदम ऑल ओके। ये गाड़ी अभी हमने कल परसों दिया था, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो चेन सेट कुछ दिक्कत आ रही थी, तो कस्टमर को हमने नया डाल दिया।
ये देख लो एकदम नया, एकदम कंडीशन और बिल्कुल ही नया, एकदम पूरा नया डाल के दिया है कस्टमर को। ये हमने पूरा नया डाल के दिया है सर। कुछ भी ऐसा होता है हम लोग क्लियर करके ही देते हैं सर। दूसरे कस्टमर की यही गाड़ी है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? इसके अंदर ब्रेक नहीं लग रही थी। देखो सर, इनको क्लियर करके दे रहे हैं हम लोग अभी गाड़ी, एकदम क्लियर करके दे रहे हैं। कस्टमर की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्लियर करके दे रहे हैं सर। अब बहुत से शोरूम पे मैं गया हूँ तो मतलब उन लोग बोल देते हैं कि भाई हम लोग क्लियर करके देते हैं 6 महीने 3 महीना, लेकिन आपको दिखाता कोई नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा विश्वास के साथ दिखाता हूँ। और वो देख लो, पल्सर आर एस स्टूडेंट खड़ी है वहाँ पे, उसका टायर का कंडीशन देख लो, एकदम पूरा घिस चुका है एकदम, उसको वो चेंज करके दिया जाएगा। हाँ, इसको नया टायर लगा के दिया जाएगा सर। और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी पूरा एकदम, वो गाड़ी क्लियर हो चुकी है सर, खाली बस वो टायर डालने का है, ऑयल वगैरह सब डालने का है, बस गाड़ी क्लियर हो चुकी है। इसको अभी वॉश मॉश करके ना, कोटिंग वोटिंग करके ना, गाड़ी सीधे आगे आ जाएगी। ओके, और उसी के साथ में हमारी KTM ये सर्विस में आई है। ये कस्टमर की बाइक भी हम लोग सर्विस करते हैं, KTM ये 200 है। अच्छा, ये इंजन बनाने के आया, इंजन कंप्लीट हो चुका है सर, बस अभी इसका आगे सब वो फाड़ी है ना, सब लगाने के हम लोग। ओके, और अभी जावेद भाई अभी बता रहे थे कि मतलब ये स्प्लेंडर में कोई प्रॉब्लम आया था, उसको एकदम क्या इसमें आया था? अभी ये सर, अभी स्प्लेंडर पूरा कलर एकदम डल हो चुका था, अभी इसको हम लोग पेंट करवा के एकदम क्लियर करा है गाड़ी। और ये देख लो एकदम मिंट कंडीशन, एकदम लग रहा है कि एकदम नया है, एकदम पूरा चमक रहा है, एकदम चमचमाती हुई, एकदम बिल्कुल नई जैसी लग रही है एकदम। तो ये देख लो, और KTM के ऊपर मैं दिखा रहा था, KTM में मैं जब आया तो शुरू में मेरा ध्यान इसके ऊपर गया कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है जाता है। इसमें ये कस्टमर को हम लोग गाड़ी एक्सीडेंटल ले गए। हाँ, एक्सीडेंट गाड़ी है। हाँ, कस्टमर को हम लोग दिया था, दूसरे दिन ही एक्सीडेंट हो चुका था। अच्छा, अभी ये बाइक भी हमारे को अभी रिपेयरिंग करने का है, इसका सामान वगैरह सब आ गया है। ओके, तो बाकी देख लो कंडीशन देख लो, पूरा एकदम ठुकेला गाड़ी आ गया है इसका, एकदम पूरा कंडीशन है। और ये जैसा जावेद भाई बता रहे हैं कि मतलब जैसे ही उसने लिया था कस्टमर ने, वैसे ही अगले दिन ही ठोक दिया, तो भाई इसका भी यहाँ पे हो जाता है। ये हमारा अमीन भाई है, ये हमारे हार्ड मैकेनिक है, जो पूरा रेसर बाइक से लेकर यही बनाता है। तो ये प्रोफेशनल है? ओके, पूरा बाइक सब ये करता है, क्योंकि ये सब जितनी भी गाड़ी आ रही है अभी BS6 में, सब सेंसर के ऊपर में पूरा कंट्रोल रहता है उन लोगों का, कंप्यूटर से लेकर के। तो ये सारा आपको नॉलेज है ना सब, तो यहाँ पे जो भी आपके पास गाड़ी है तो उस सब का यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ी आपको मैंने पहले ही ऐसा ब्लॉग बनाया है जो जिसमें कि आपको पूरा ही एकदम उसका सर्विस सेंटर और पूरा एकदम चीज़ दिखाया है। चला अभी बढ़ गया है, तो बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई गाड़ी अगर ले रहे हैं, अगर अगले दिन प्रॉब्लम आ गया तो गाड़ी वापस होगी कि नहीं होगी, मैकेनिक को लेकर जाएंगे तो मैकेनिक को यहाँ पे कोई अगर लेके आएगा तो यहाँ पे पूरा सर्विस दी जाएगी उसको? हाँ, हो जाएगा। अगर कोई टेस्ट राइड लेगा तो उसको टेस्ट राइड दी जाएगी। अगर मैकेनिक यहाँ पे जो टेस्ट राइड के लिए जाएगा ना सर, तो वो बताएगा कुछ खामी लग रही है तो हम लोग करके देंगे। ओके, और बाकी सर्विस तो आपको पूरा एक महीने वाला मिल ही रहा है कि अगर आपको अगर गाड़ी लेके जाते हैं और आगे 2 हफ्ते बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आके एकदम क्लियर हो जाएगा और उसको सोल्व करके दिया जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। और आपको प्यारा सा कमेंट करना है कैसा प्राइस लगा और कैसा बाइक लगा यहाँ पे, तो वो भी आपको बताना है। बाकी जावेद भाई उसका रिप्लाई भी देंगे, क्यों जावेद भाई? देंगे ना क्यों नहीं देंगे। तो बाकी मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और स्पेशल थैंक देना चाहूँगा सेक ऑटो जिन्होंने अपनी बाइक प्रोवाइड की सारी लाइनअप देख लो, तो स्पेशल थैंक देना चाहूँगा। तो वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और विजिट करना मत भूलना सेक ऑटो। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और धर्मपुर में ये तो ये यहाँ पे का एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, भारत सेफ, स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत।